आज से करीब 252 मिलियन साल पहले पृथ्वी जब पैलियोज़ोइक एरा से गुजर रही थी, द प्रेजेंट डे साइबेरिया के वोल्केनिक पहाड़ फट के कई टन लावा और जहरीली हवाएं आसमान में उड़ा रहे थे। मंजर मानो कुछ ऐसा था जहां पर एक ओर जमीन पर राज करने वाले शाकाहारी लिस्ट्रोसॉर्स एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर समुंदर को अपनी जागीर मानने वाले क्लॉडियोसॉर्स जैसे जीव पानी की एक एक बूंद निगलने से पहले हजारों बार सोच रहे थे। इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जीव दोनों को यह पता चल गया था कि उनका अंत अब नजदीक आ चुका है, और वही हुआ है जिसका डर सभी को था। द ग्रेट डाइंग नाम के एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट में पृथ्वी के एटलीस्ट 90% जीव विलुप्त हो गए। लेकिन प्रकृति का नियम है ये कि जहां पर एक प्रजाति का विनाश होता है, वहीं पर दूसरी तरफ दूसरी प्रजातियों का जन्म होता है, और इसी दौरान भी इनके विलुप्त होने से कुछ नए तरह के जीवों को पनपने का मौका मिल गया। मैं बात कर रहा हूं कुछ बहुत ही नए किस्म के प्यारे जीवों का, जो और कोई नहीं है बल्कि है हमारे डायनासोर्स। दरअसल कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार जब द ग्रेट डाइंग हुआ तब पृथ्वी को उस हालात से बाहर निकालने में करीबन 10 मिलियन साल लग गए, यानी जितना समय हम इंसानों को बंदरों से विकसित होने में लगा उससे भी 4 मिलियन साल ज्यादा। और इसकी वजह यह है कि इस एक्सटिंक्शन इवेंट के वक्त निकले ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया था कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर पहला जीव जब से पनपा था तब से लेकर अब तक का ये सबसे गर्म दौर था, और इसी वजह से लेक्स, बैक वाटर्स और मार्शी एरियाज में उगने वाले फर्न्स एक्सटिंक्ट होने लग गए थे, और टेम्परेचर्स तेजी से बढ़ने की वजह से क्लाइमेट भी हॉट एंड ड्राई हो गया था। ऐसे क्लाइमेट से बचने के लिए लंबे ट्रीज और प्लांट्स अपने आप को गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कराने के लिए ऐसे कोन शेप के ऊंचे कॉनिफर्स में इवॉल्व होने लगे, सो दैट उनका वाटर लॉस मिनिमम हो सके। और प्लांट्स के इस एवोल्यूशन की वजह से पर्याप्त समय के बाद पृथ्वी पर फिर एक बार किसी पैराडाइज की तरह जिंदगी फल फूलने लगी। इसके बाद सबसे पहले इस पैराडाइज में रेंगना शुरू किया हम मैमल्स के छोटे शाकाहारी चूहे जैसे दिखने वाले पूर्वज साइनाप्सिड्स पेलिकोसॉर्स ने, और डायनासोर्स के मांसाहारी पूर्वज डायनासोर्स आर्कोसॉर्स, और फिर पांजिया के नदी नालों में पनपने लगे मेंढकों के पूर्वज लिसैम्फीबियंस, जो मोस्टली मीठे पानी में तैरते नजर आते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि खारे पानी से भरे समुद्रों में तब टेम्नोस्पोंडल्स का राज हुआ करता था। अब अगर देखा जाए तो उनका अपीयरेंस तो मगरमच्छों वाला ही था, पर साथ ही इनका स्वभाव भी मगरमच्छों वाला ही था, यानी कि जो भी जीव दिखे बस उसे चबा जाओ। और ऐसे में डायनासोर्स और साइनाप्सिड्स के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट रास्ता था कि जमीन पर बने रहो और वहीं पर एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करो। अब इसमें भले ही डायनासोर्स मांसाहारी हो और साइनाप्सिड्स उनका खाना हो, लेकिन फिर भी उस वक्त पांजिया पर राज हुआ करता था साइनाप्सिड्स का, क्योंकि डायनासोर्स के मुकाबले उनका साइज काफी बड़ा था। पर अफसोस साइनाप्सिड्स का राज यहां पर ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि पृथ्वी के हर वक्त बदलते तापमान को पेलिकोसॉर्स सह नहीं पाए और धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन एम्फीबियस आर्कोसॉर्स, उन्होंने इस बदलते तापमान में अपने आप को ढालने के लिए एक नई एवोल्यूशनरी टैक्टिक अपनाई, थर्मोरेगुलेशन। इसमें हुआ यह कि उनकी स्किन स्पेसिफिकली रीडिजाइन हुई ताकि वो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से हीट को एब्जॉर्ब और एमिट कर सके, और इसकी वजह से वो अपनी बॉडी के हीट को रेगुलेट करके हॉट टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव करने लगे। इसी के साथ ही पेलिकोसॉर्स के कंपैरिजन में आर्कोसॉर्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मूवमेंट का सिस्टम भी हर जनरेशन के साथ तेजी से इवॉल्व होते चला गया। और अब आर्कोसॉर्स ने खुद को इवॉल्व तो कर लिया था, लेकिन असल प्रॉब्लम उनके एवोल्यूशन के बाद शुरू हुई, क्योंकि उनके खुद के कजिन्स पानी में रहने वाले इक्टियोसॉरस उनसे पहले ही साइज में बड़े होकर उन्हें खाना शुरू कर चुके थे, यहां तक कि वो टेम्नोस्पोंडल्स और आर्कोसॉर्स के मुंह का निवाला छिनना शुरू कर चुके थे। एंड व्हाट केम आफ्टर दिस वाज टेम्नोस्पोंडल्स की तादाद ड्रास्टिकली घटती चली गई, और ये इक्टियोसॉरस समुंदर के नए डोमिनेंट जीव बनकर उभर आने लगे। अब फ्रेंड्स, आज के जमाने में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके पास नॉलेज है वो अपने नॉलेज के बेसिस पर डोमिनेट करता है, और अगर आप भी आपके पास स्पोर्ट्स का नॉलेज है तो आप भी गेमिंग इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस दिखा सकते हो। इसके लिए बस आपको दुनिया के नंबर वन गेमिंग ऐप पैरी मैच पर करेक्ट प्रेडिक्शंस करने हैं। इस बार पैरी मैच तमिलनाडु प्रीमियर लीग क्रिकेट धूमधड़ाका के सेलिब्रेशन में एक खास चीज अनवील कर रहा है, पर्सनलाइज्ड प्राइस बॉक्स। मुझे जस्ट इनका प्राइस बॉक्स मिला है, सो लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर। लेट्स सी व्हाट वी हैव। वो स्मार्ट वॉच, वो भी लार्जेस्ट एमोलेड डिस्प्ले, यानी अब बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और माय फेवरेट टीम टी शर्ट, कस्टम AI जनरेटेड पोस्टर, दिस इज कूल।
अब गाइस पर्सनली मुझे बॉक्स काफी कूल लगा और आप भी ये पर्सनलाइज्ड बॉक्स जीत सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पैरी मैच पर रजिस्टर करके अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करना है। प्लस इसकी खास बात है बेस्ट आउटकम्स, फास्टेस्ट विड्रॉवल्स और 10,000 rupees का वेलकम बोनस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इच्थियोसॉरस के डोमिनेंस के माहौल में आर्कोसॉरस का पानी में जाकर शिकार करने का मतलब था कि खुद इच्थियोसॉरस का शिकार हो जाना, और इससे बदतर हालत तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की थी क्योंकि 70% स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने की वजह से उनके फूड चेन में शिकार कम और शिकारी ज्यादा हो गए थे। अब ऐसे में आर्कोसॉरस के सामने बस एक ही ऑप्शन था, कैसे भी करके बाकी कंपेटिटर्स के पहले शिकार को दबोच लेना। और ऑब्वियसली बात है, इसके लिए आर्कोसॉरस फैमिली के मेंबर्स को चाहिए थी स्पीड, जिसे अडैप्ट करने के लिए उनमें चेंजेस आने लगे। उनके पैरों की हड्डियां, पर्टिकुलरली टिबिया, फिब्यूला और एस्ट्रैगलस बोन, जो उन्हें रेंगने में मदद करते थे, वो कुछ इस तरह से फ्यूज हो गए और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगे, जिससे अब ये ऐसे चलने लगे। इनफैक्ट इनकी गर्दन भी फ्लेक्सिबल हो गई और एस शेप की तरह दिखाई देने लगी, जिससे ये अपने शिकार को बिना शरीर को मोड़े देख सकते थे और अपनी गर्दन का इस्तेमाल करके अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी मेंटेन कर सकते थे। और जब कंडीशंस नॉर्मल हुए, इनके फुर्ती से शिकार करने की वजह से शिकार फिर एक बार कम होने लग गए। इतने कम कि इनमें से कुछ आर्कोसॉरस को घास फूस चबाना पड़ गया और वो धीरे धीरे ओमनीवोर्स में कन्वर्ट होने लगे। अब ये ओमनीवोर आर्कोसॉरस अपने ही पूर्वज से इतने अलग हो गए कि साइंटिस्टों को फिर बाद में इन्हें दो कैटेगरीज में बांटना पड़ गया, डायनासोरस के पूर्वज ऑर्निथोडेरा और क्रोकोडाइल्स के पूर्वज क्रोकोडाइलोमॉर्फा। इस सब एवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो रही थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स भी कम हो रहे थे और पांजिया धीरे धीरे करके मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स का शेप लेने लग गई थी। जहां प्लांट्स अपनी हाइट और कॉनिफेरस जंगल के एक्सपांस को बढ़ाने में लगे थे, वहीं मरीन लाइफ अपनी क्वांटिटी और डाइवर्सिटी बढ़ाने में लग गई। सीजंस फिर से अपनी करेक्ट शेप ले रहे थे, बारिश हर साल 9 महीनों के लिए होने लगी थी और इसीलिए वेजिटेशन और लाइफ दोनों ही तेजी से पनपने लगे। अब इस फलते फूलते न्यूट्रिशियस वेजिटेशन से कुछ ओमनीवोर्स और ऑर्निथोडेरा इतने डिपेंडेंट हो गए कि वो पूरी तरीके से हर्बीवोर्स ही बन गए। इससे हुआ ये कि फर्न और लीव्स को चबाने के लिए सबसे पहले तो इनके दांत फ्लैट हो गए, जिससे कि वो घास को अच्छे से चबा सके। फर्न और लीव्स पचाने में काफी समय लगता है और इसीलिए उनके स्टमक और इंटेस्टाइन्स बड़े हो गए, और स्टमक को सपोर्ट करने के लिए उनका ये प्यूबिक बोन इस तरह से अरेंज हो गया जो दिखने में आज के बर्ड के प्यूबिक बोन की तरह दिखता है। वहीं दूसरी तरफ लिजर्ड जैसे हिप वाले ओमनीवोर घास फूस के साथ साथ शिकार पर भी निर्भर थे और इसीलिए इनके बोन्स अब फास्ट मोबिलिटी के लिए कुछ इस तरह से अडैप्ट हो रहे थे। ये दोनों ही फैमिलीज अब फुल फ्लेज्ड डायनासोर्स बन चुके थे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स और जेनेटिक्स में इतने चेंजेस आए कि साइंटिस्टों को अगेन ऑर्निथोडेरा फैमिली को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ गया। पहला हर्बीवोर बर्ड्स जैसे हिप वाले ऑर्निथोशियंस और दूसरा ओमनीवोर लिजर्ड जैसे हिप वाले सॉरिशियंस। इनिशियली सॉरिशियंस ज्यादा थे, पर लेट ट्रायसिक आते आते ऑर्निथोशियंस की तादाद बढ़ने लगी क्योंकि उनका खाना प्लांट और ट्रीज तेजी से बढ़ रहा था, जिसका कारण था अर्थ का स्टेबल होना। पर सॉरिशियंस की डाइट, विच वर एनिमल्स एज कम्पेयर टू ऑर्निथोशियंस, उस वक्त इजीली अवेलेबल नहीं थे। इससे अगेन एनवायरमेंट में एक नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसने सॉरिशियंस की कई स्पीशीज को टोटली हर्बीवोर बनने पर मजबूर कर दिया। और लेट ट्रायसिक के खत्म होते होते आज से अराउंड कुछ 200 मिलियन साल पहले ज्यादातर सॉरिशियंस अगेन दो हिस्सों में बढ़ गए। हर्बीवोर सॉरिशियंस जो थे सॉरोपॉड्स और कार्निवोर सॉरिशियंस जो थे थेरोपॉड्स। अब ये टीरेक्स और वेलोसिराप्टर्स जैसे थेरोपॉड्स कंपटीशन कम होने की वजह से सॉरोपॉड्स और ऑर्निथोशियंस का ही शिकार करने लग गए। लेकिन देखो, एवोल्यूशन सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं होने वाली थी। प्रकृति जीवों की काबिलियतों को और तराशना चाहती थी टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और आज से करीब 230 मिलियन साल पहले इन टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स में से कुछ एक और एक दफा इवॉल्व हुए। वो बिना भागे ही अपने शिकार हाथ लगने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए यहीं से पैदा हुए पृथ्वी के पहले उड़ने वाले जीव टेरोसॉर्स। अब बाकी के डायनासोर्स की तरह ये भी अपने शुरुआती सालों में कुछ खास बड़े नहीं हुआ करते थे, ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान जितने बड़े। लेकिन फिर आगे चलकर इवेंचुअली इनका भी साइज इतना बढ़ गया कि जब भी अपने पंख फैलाते तो वो करीब 1.5 फुल साइज स्कूल बसेस जितनी जगह घेर लिया करते थे। डायनासोर्स के इन कंटिन्यूस एवोल्यूशन से हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि अब तक जितने भी शाकाहारी स्नैपसिड्स जो जैसे तैसे भी करके जिंदा बच गए थे, उनका भी अभी जीना मुश्किल हो गया था क्योंकि जमीन पर पौधे खाएं तो दो पैरों वाले डायनासोर से खतरा, छुपने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ो
तो शाकाहारी सौरोपॉड जीव वहां पर छुपने के लिए पत्ते ही नहीं छोड़ रहे थे, और इस सब के बावजूद अगर वो ऊपर चढ़ के बस बैठ जाए तो टेरोसॉर्स उन्हें वहां से पकड़कर अपने चूजों को खिला रहे थे। यानी हर तरफ बस सिनैप्सिड्स की मौत का मंजर छाया हुआ था। बट फिर सिनैप्सिड्स ने भी अपनी जान बचाने का एक नया तरीका खोज लिया। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे ये डायनासोर्स अपने आप को बड़ा करते जा रहे हैं, इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है इनके मुकाबले अपने आप को और छोटा कर लो। इससे हम नजर ही नहीं आएंगे और नतीजन कोई हमारा शिकार ही नहीं करेगा। सो टू डू दैट, 225 मिलियन ईयर्स अगो सिनैप्सिड्स की कुछ प्रजातियां रात में छुपकर कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाले मेमालियोफोम्स में तब्दील हो गई। And hence the problem solved. सब कुछ इतना मस्त चल रहा था, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स का ही राज चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर एक बार मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत कर दी। आज से करीब 201 मिलियन साल पहले यानी ट्रायसिक पीरियड के अंत में पृथ्वी ने फिर से एक नया मास एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू कर दिया। पांजिया, जो थ्रू आउट द ट्रायसिक पीरियड धीरे धीरे टूट ही रहा था, उसका टूटना अचानक से तेज हो गया, मेनली एट द सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस। ये रीजन एक्चुअली उस वक्त कई छोटी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन हुआ करता था, और ये इतने नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था कि अगले किसी भी सेकंड वो फट सकता था, और आखिर में हुआ भी वही जिसका डर था। इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा था। पांजिया कैंप रीजन से तेजी से टूटने लगा, वोल्केनिक इरप्शंस तेज हो गए, और हवा में उड़ते जहरीले गैसेस ने फिर से पृथ्वी के क्लाइमेट को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। जब लावा से वेपराइज हुआ पानी बरसात के रूप में जमीन पर वापस बरसने लगा, तो इन्हीं टॉक्सिक गैसेस ने बरसात के साथ मिलकर नदियों और ओशंस को भी एसिडिक बना दिया। हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि अब ना सांस लेने के लिए ताजी हवा थी और ना ही पीने के लिए ताजा पानी। देखते ही देखते डायनासोरियन आर्कोसॉर्स, उड़ने वाले टेरोसॉर्स और छोटे छोटे मैमलियोफोम्स को छोड़कर पृथ्वी के ज्यादातर जानवर फिर से विलुप्त हो गए। उनमें से सिर्फ वही जिंदा बच पाए जो उस वक्त पांजिया के सेंटर से दूर रह रहे थे। जब चीजें शांत हुई तो इवेंचुअली इस कैंप रीजन में पैदा हुए क्रैक्स में धीरे धीरे आसपास के समुंदर का पानी रिसने लगा। वोल्केनिक इरप्शंस अगले कुछ मिलियन सालों के लिए स्लो हुए और शुरू हुआ द जुरासिक पीरियड। जी हाँ, वही पीरियड जो ज्यादा वेल नोन है। बड़े बड़े डायनासोर्स जैसे स्टेगोसॉरस और ब्राचियोसॉरस जब पहली बार टहलते हुए दिखाई दिए। बट मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो टाइटल्ड डायनासोर द रेन। बेसिकली उस वक्त उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी कि अपने पूंछ को साउंड की स्पीड से भी तेज घुमाकर किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते थे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो, स्पेशली दिस सीरीज। एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।